नमस्कार आचार्य जी। अभी कुछ दिनों से मैं एक घटनाक्रम को फॉलो कर रहा था जिसमें एक महिला फिल्म मेकर हैं जिन्होंने माँ काली पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी है, बनाई है, जिसके पोस्टर पे उन्होंने माँ काली को बीड़ी या सिगरेट पीते हुए दिखाया है, जिस पे काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। उसी पोस्टर पे बंगाल की एक सांसद हैं जिन्होंने ये कहा है कि आई हैव एवरी राइट टू इमेजिन काली एज अ मीट कंज्यूमिंग एंड एल्कोहल ड्रिंकिंग गॉडेस, और इस बात पे काफ़ी गर्मा गर्म विवाद छिड़ा हुआ है। तो मैं जानना चाह रहा था कि पहली बात तो माँ काली हैं कौन और उनका मांस और मदिरा से क्या संबंध है। देखो, जो पूरा शाक्त पंथ ही है ना, वो प्रकृति को जानने समझने और उसकी उपासना करने का है। और क्या है माँ काली, ये समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें देवी महात्म्य की पूरी चर्चा है, जिसमें खुलकर बताया गया है कि दुर्गा कौन, अंबिका कौन, काली कौन, गौरी कौन, सरस्वती कौन, उस पर जाना पड़ेगा। ये जितनी भी देवियां हैं ये सब प्रकृति की प्रतीक है, प्रकृति की शक्तियों की प्रतीक है। तो तुमको थोड़ा सा धीरज के साथ सुनना पड़ेगा अगर जानना चाहते हो कि माँ काली कौन है। उसके बाद फिर हम इस पर भी आ जाएंगे कि ये कहना कि वो बीड़ी सिगरेट या मांसाहार या मदिरा पान से संबंधित है कितना ठीक है। तो तीन चरित्र हैं दुर्गा सप्तशती में, जो उसमें तीसरा चरित्र है, उत्तर चरित्र बोलते हैं उसको, वो पांचवें अध्याय से उसके 13वें अध्याय तक जाता है दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के। क्या है उसमें, इस तीसरे चरित्र में, जिसका संबंध काली से है। तो कहानी कुछ उसमें इस तरह से है, और पूरी कहानी प्रतीकों से भरी हुई है, इसको बहुत ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि हिमालय के पर्वत हैं और उस पर देवी अंबिका ना शांतिपूर्वक विराजी हुई हैं। देवी अंबिका कौन है? देवी अंबिका हिमालय पर विराजी हुई हैं, समझ लो जैसे कि हिमालय पर प्रकृति फैली रहती है। हिमालय पर तुम प्रकृति का पूरा विस्तार देखते हो ना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, साफ हवा, कभी वहाँ हिमपात भी हो जाता है, सूरज भी वहाँ साफ दिखता है, पानी भी वहाँ साफ है। तो जैसे हिमालय पर ये सब कुछ पसरा हुआ है प्राकृतिक तौर पर, तो उसी को इंगित करते हुए कहा गया है कि देवी अंबिका अपना हिमालय पर वास कर रही हैं। लेकिन उसी समय शुंभ निशुंभ नाम के दो असुर पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बना लेते हैं, शुंभ निशुंभ नाम के दो असुर। अब ये दोनों असुर भी प्रतीक ही हैं, सिंबल्स हैं। किसके प्रतीक हैं वो? वो क्या करते हैं इससे समझ में आ जाएगा किसके प्रतीक हैं, वो क्या कर रहे हैं। कहा गया है कि वो सारी प्राकृतिक शक्तियों को अपने अधीन कर लेना चाहते हैं, इसी में उनका असुरत्व है। वो अग्नि पर अपना कब्जा जमा लेना चाहते हैं, वायु पर अपना कब्जा जमा लेना चाहते हैं, सूर्य पर अपना कब्जा जमा लेना चाहते हैं, वो जल को अपने अधीन कर लेना चाहते हैं, और वो ये सब कुछ कर भी लेते हैं। अब प्रकृति में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि इन राक्षसों ने प्रकृति को बिल्कुल जकड़ लिया है अपने स्वार्थ के लिए,
अपने अहंकार के लिए, अपने सुख, अपने भोग के लिए। तो इस तरह से इन राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है शुंभ निशुंभ ने। अब देवी अंबिका अपना हिमालय पर विराजी हुई है, तो ये शुंभ निशुंभ हैं, इनके दो समझ लो नौकर हैं भृत्य, चंडमुंड नाम के। तो वो घूमते घामते जाते हैं, वहाँ देखते हैं देवी को, और देवी की सुंदरता बड़ी अनुपम है, एकदम अद्वितीय उनका सौंदर्य, तेज, आभा। तो ये देवी को देखते हैं और जाते हैं अपने मालिकों के पास, शुंभ निशुंभ के पास, और बोलते हैं कि आपने दुनिया का सारा वैभव लूट करके अपने अधीन कर लिया, अपने खजाने में भर लिया है, सबसे अच्छे अस्त्र आपके पास हैं, सबसे अच्छे घोड़े भी आपने लूट के रख लिए, सबसे बढ़िया वाले ऊंचे जो हीरे मोती माणिक्य थे वो भी सब आपने अपने पास कर लिए, दुनिया में जो कुछ भी कमाने लायक है, पाने लायक है, वो आपने अपने पास कर लिया है। ये समझ रहे हो किस बात का सूचक है? ये अहंकार की संचयी प्रवृत्ति का सूचक है, ईगो वॉन्ट्स टू एक्यूमुलेट। तो इन राक्षसों ने भी यही कर रखा होता है, इन्होंने सब तोड़फोड़ मचा करके और प्रकृति को तहस नहस करके सब कुछ अपने पास इकट्ठा कर रखा होता है। तो ये जो उनके दोनों जाते हैं नौकर सेवक चंडमुंडी, उनसे कहते हैं जब सभी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके पास हैं, तो वो जो वहाँ सबसे सुंदर स्त्री हिमालय पर विराजी हुई है, वो भी तो आप ही के पास होनी चाहिए ना, आप उसे विवाह कर लीजिए। तो ये दोनों जो हैं शुंभ निशुंभ, ये लालायित हो जाते हैं। तो ये अपना दूत भेजते हैं देवी के पास। देवी कहती हैं देखो मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मुझे तो जो हराएगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी। अभी मेरी अल्पज्ञता है कि मैंने ऐसा संकल्प कर लिया, पर अब कर लिया है कि भाई मुझे जो हराएगा मैं तो उसी को पति मानूंगी। तो ये बात पता चलती है इन दोनों को, शुंभ निशुंभ को, ये बड़े क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा बोला कि हमारी बात नहीं मानी और कहा कि जो हराएगा उसी से। तो वो अपनी सेना भेजते हैं और उसमें एक सेनापति रखते हैं, शायद धूम्रलोचन उसका नाम। तो वो देवी के पास जाता है, देवी को आज्ञा देता है चलो। देवी कहती है युद्ध में मुझे जीत लो, ले चलो। तो युद्ध होता है, देवी उसको मार देती हैं, देवी उसको मार देती हैं। तो शुंभ निशुंभ को पता चलता है, वो अतिशय क्रोध में आ जाते हैं, जैसी अहंकार की और दुष्टों की वृत्ति होती है। तो इन्हीं दोनों को भेज देते हैं चंडमुंड को, कहते हैं जाओ और उसको लेकर के आओ। अभी समझ लो क्या करा जा रहा है, जो मनुष्य के भीतर की राक्षसी वृत्ति है उसके प्रतीक हैं ये शुंभ निशुंभ। हाँ, शुंभ निशुंभ आज हमारे ही भीतर जो राक्षसी अहंकार बैठा हुआ है ये उसके प्रतीक है। और जो राक्षसी अहंकार है ये प्रकृति को जीत लेना चाहता है, ये पूरी पृथ्वी का उपभोग करना चाहता है। इसका पूरा विश्वास किस में है? कंजम्पशन में है, ये हर चीज का कंज्यूमर बनना चाहता है। वही जो तुम आजकल भी अपने चारों ओर होता हुआ देख रहे, भोक्तावाद। तो अब ये दोनों जाते हैं, जब ये दोनों जाते हैं तो इनको देख करके अंबिका के भीतर से, जो देवी वहां बैठी हुई है, एक शक्ति उत्पन्न होती है बहुत क्रोधित, क्योंकि ये बड़ी सेना वेना लेकर के आए होते हैं देवी को जीतने, और देवी को उल्टी सीधी अपमान सूचक बातें भी कह रहे होते हैं। तो देवी के भीतर से एक शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति का नाम है काली। ये है काली, और वो जो शक्ति है वो जब उत्पन्न होती है तो वो पहले ही क्षण से बड़े क्रोध में है, वो बड़े क्रोध में है। और उसका विवरण कुछ इस तरीके से है कि उसकी आंखें गहरे गड्ढों में धंसी हुई हैं और जीभ लपलपा रही है, शरीर पर मांस नहीं है, हड्डियां ही हड्डियां हैं, एकदम कृशकाय है, दुबली पतली है। तो ये काली है। काली फिर क्या है? काली प्रकृति की वो
विध्वंसात्मक शक्ति है जो राक्षसी व्यवहार की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होती है। यह है काली, समझे बात को। जब तुम प्रकृति के साथ बहुत छिड़खान करोगे, जब तुम प्रकृति को जीत लेना चाहोगे, जब तुम प्रकृति का बलात्कार करना चाहते हो, तो फिर प्रकृति पलटवार करती है, एक सीमा तक सहती है। एक सीमा तक प्रकृति तुमको अपना बच्चा मान करके तुम्हारी हरकतों को सहन करती है, बर्दाश्त करती है। पर जब तुम अपनी सीमाओं का उल्लंघन ही कर जाते हो, जब तुम प्रकृति पर बिल्कुल चढ़ ही बैठते हो, जब तुम्हारा विवेक बिल्कुल मर जाता है और तुम वही करने लग जाते हो, भीतर के अपने राक्षसत्व को ही अभिव्यक्ति देने लग जाते हो, तब प्रकृति से एक कुपित शक्ति पैदा होती है तुम्हारे संहार के लिए। उस शक्ति का नाम है काली। तो काली पैदा होती है और उसके बाद वो चंड मुंड दोनों को संहार देती हैं। क्योंकि वो चंड को मार देती हैं तो और मुंड को भी, तो इसीलिए जो उनका एक नाम है चामुंडा वो भी प्रचलित है। तो ये है काली, समझ में आ रही बात। बाकी आप जितना कुछ देखते हो कि काली की आराधना ये वो सब आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आप ये समझो कि काली किसका प्रतीक है। भारत में मैंने बार बार कहा ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। हम जिनकी पूजा करते हैं उनके विषय में कोई ज्ञान नहीं रखते, और पूजा आराधना ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हो जाती हैं अगर जो तुम्हारे सामने पूज्य है, जो प्रतिमा है, जो प्रतीक है, तुम उसका अर्थ ही नहीं जानते। अगर तुम अर्थ ही नहीं जानते तो तुम पूज किसको रहे हो। तो काली का पहले अर्थ समझना जरूरी है, ठीक है। मैं दोहरा के बताऊं जी, काली क्या है। जब तुम प्रकृति जो कि बिल्कुल शांत सोई पड़ी है, जैसे हिमालय के वन सोए पड़े हैं, अपने में मग्न है ना हिमालय के सब वन, और उसमें पशु हैं, पक्षी हैं, वो अपना शांति से चल रहे हैं, उनका अपना एक चक्र है, वो उसी में निमग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन इंसान जाता है और इंसान की हवस की कोई सीमा नहीं। इंसान को चाहिए तोड़ फोड़ करना है, लूट मचानी है, मौज करनी है, सुख भोगना है। तो इंसान पृथ्वी के साथ तरह तरह के अत्याचार करता है। ये जो अत्याचार है यही शुंभ निशुंभ की परिभाषा है दुर्गा सप्तशती में, कि शुंभ निशुंभ जब चढ़ बैठे पृथ्वी पर तो उन्होंने अग्नि से अग्नि के अधिकार छीन लिए, सूर्य से सूर्य के अधिकार छीन लिए, जल से जल के अधिकार छीन लिए। वो एकदम भूल ही गए कि वो स्वयं भी प्रकृति के छोटे से अंश मात्र हैं। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि स्वयं को भूल जाता है और फिर उसी आत्म अज्ञान में वो आत्मघातक हरकतें करने लग जाता है। तो ये है काली। जब तुम प्रकृति को बहुत परेशान करते हो तो वो अपना रौद्र रूप दिखाती है, अपना कुपित रूप दिखाती है। उस कुपित रूप को काली कहते हैं, ठीक है जी। और क्या पूछा था तुमने काली के विषय में? कि उनका और मांस और मदिरा का हाँ क्या संबंध है, उनका और मांस और मदिरा क्या संबंध है। तो यही जो तीसरा चरित्र है ना दुर्गा सप्तशती का, तो इसके जब तुम जाते हो सातवें अध्याय पे, तो सातवें अध्याय का जब तुम 24वां श्लोक देखोगे तो उसमें काली अंबिका के सामने जाती हैं चंड मुंड को हरा करके, मार करके, और कहती हैं कि इन दो महापशुओं का सर मैं अब आपको समर्पित करती हूं, ठीक है। इन दो महापशुओं का सर मैं आपको समर्पित करती हूं। तो जो पशु बलि की बात है, अब समझ लो कि क्या है काली, किसको पशु कह रही है। सातवें अध्याय का 24वां श्लोक कहता है कि काली कह रही है अंबिका से कि इन दो महापशुओं की ये जो मृत देह है अंबिका, ये अब मैं आपको दे रही हूं, समर्पित कर दी। तो पशु कौन है, काली से किस पशु के वध का संबंध है, काली किस पशु के वध की बात कर रही है। ये जो चंड मुंड है इनको पशु कह रही है।
तो काली से बकरे के वध का नहीं संबंध हो सकता, ना मुर्गे के वध का संबंध हो सकता, ना भैंसे के वध का संबंध हो सकता। जो भी लोग काली के सामने इनकी बलि देते हैं वो अनाड़ी है, समझ नहीं रहे हैं बात को। काली के तो बच्चे हैं ये सारे पशु, क्योंकि काली स्वयं प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति अपने बच्चों की बलि थोड़े ही लेगी, कोई माँ अपने बच्चों की बलि लेती है क्या? काली किसको पशु बोल रही है? आप श्लोक में पढ़िए, बिल्कुल साफ लिखा है, यही पशु है। जो राक्षस है वो पशु है, उसको मारना है। और राक्षस कौन है? राक्षस हमारी वृत्तियां हैं। तो काली के सामने अपनी जो अहम वृत्ति है, अपनी जो राक्षसी वृत्ति है, उसकी बलि देनी होती है, मुर्गे या बकरे या भैंसे की नहीं बलि देनी होती है। अब अगर कोई अपने अज्ञान में कहे कि काली तो मीट ईटिंग गॉडेस है, तो उसको काली का कुछ पता नहीं है। और अच्छा होता है कि जिस विषय में आदमी कहे उस विषय में थोड़ा ज्ञान रखे। जिस विषय में कुछ पता नहीं, जिस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं, उसके बारे में टिप्पणी करना अज्ञानता का ही सूचक है। ये किसी भले आदमी की तो निशानी नहीं कि जिस चीज को आप जानते नहीं उसको लेकर के आप एक नाटक या फिल्म बना दो, या उसके बारे में आप टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दो। खैर, ये बात हम एक दो लोगों के बारे में ही क्यों कहें, क्योंकि काली को लेकर के ये छवि तो लाखों लोगों में, आम जनमानस में सैकड़ों सालों से प्रचलित रही है कि काली के सामने तो पशु बलि दी जाती है, तो काली का संबंध मांसाहार से है। किस पशु की बलि देनी है ये हम जानते नहीं, क्योंकि हम काली को ही नहीं जानते। अब और अगर आगे बढ़ने जानना है कि ये मांस क्या है, अल्कोहल कंज्यूमिंग भी कहा गया काली को, तो फिर आप आइए 8वें अध्याय पर। और 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जहां पर देवी कह रही हैं जो उनकी शक्तियां हैं उनको संबोधित करके। उनको मातृगण कहते हैं, गण माने सेवक, तो माता के सेवक। उनको संबोधित करके कह रही हैं कि ये जो राक्षस हैं इनका भक्षण करके, इनके मांस का भक्षण करके ही तुम तृप्ति पाओगे। तो किसके मांस का भक्षण करने को कहा गया? राक्षस के मांस का भक्षण करने को कहा गया है। वो बेचारा निर्दोष मासूम जानवर है, उसके मांस का भक्षण करने को थोड़ी ही कह रही है देवी। लेकिन जो अपने आप को देवी के उपासक भी बोलते हैं, जो ये भी बोलते हैं कि आई एम अ वर्शिपर ऑफ माँ काली, उन्होंने दुर्गा सप्शती कभी खोल कर देखी नहीं होगी। वो कभी समझेंगे ही नहीं कि जो पूरा तंत्र का मार्ग है वो भी आता तो वेदों से ही है ना। और यदि वेदों से आता है तो पहले समझना पड़ेगा कि वेदों का मूलभूत दर्शन बात करता है अहंकार की और मुक्ति की। तो वेदों से जो भी प्रतीक उठेंगे वो कहीं ना कहीं अहंकार की आसुरी वृत्ति से संबंधित होंगे और मुक्तिदायिनी शक्तियों से संबंधित होंगे। लेकिन जब आपको न तो वेदांत का ज्ञान हो और न ही कभी आपने शाक्त मार्ग के या तंत्र के ग्रंथों का अध्ययन किया हो, बस आपकी बोलने में ज्यादा रुचि हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, तब आप फिर दुर्भाग्यवश उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं। देखो हुआ क्या है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बड़ी अच्छी चीज है और मैं भी इसका घोर समर्थक हूं। किसी व्यक्ति को क्या कहना है इस पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए,
अपने विचारों को प्रस्तुत करने की सबको आज़ादी होनी ही चाहिए। लेकिन यदि मुझे ये आज़ादी है कि मैं अपने विचारों को खुले में कह सकूं, तो क्या इस आज़ादी के साथ मुझ पर एक जिम्मेदारी भी नहीं आ जाती? आपको जो अधिकार मिलते हैं, क्या उन अधिकारों के साथ आपको कुछ कर्तव्य भी नहीं मिल जाते? आपको छूट मिल गई है कि आप बोल सकते हैं आप जो चाहें, तो फिर आपको ये जिम्मेदारी भी मिल गई है ना कि बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लें कि आप बोलें उससे पहले जिस विषय के बारे में बोल रहे हैं उसका कुछ ज्ञान रखें। लेकिन पूरे विश्व में, भारत में भी, हम सब में यही प्रवृत्ति रहती है कि अपनी आज़ादी का तो भरपूर इस्तेमाल करना है और अपने कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देना है। तो हम बोलते खूब हैं बिना ये जिम्मेदारी देखे कि जो बोल रहे हैं उसमें पहले कुछ सोच समझ लिया है, कुछ जांच पड़ताल करी है, कुछ जिज्ञासा करी है, खोजबीन करी है, बोले जा रहे विषय में गोता लगाया है, पैठ करी है। खास तौर पर धर्म का क्षेत्र बड़ा ध्यान मांगता है। धर्म के क्षेत्र में टिप्पणी करने से पहले धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए। अब धर्म के प्रति प्रेम हो नहीं, धर्म से बहुत लेना देना नहीं, और धर्म पर आप टीका टिप्पणी करें, धार्मिक प्रतीकों को लेके आप यूं ही अनर्गल बयान दें, ये किसी सुलझे हुए आदमी की निशानी नहीं है। जो भी लोग धर्म के क्षेत्र में रुचि रखते हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनका पहला दायित्व तो ये है कि धर्म को समझें। जो बातें प्रचलित हैं, सिर्फ उन प्रचलित बातों को जान लेने से आप ज्ञानी नहीं हो जाते। जो प्रचलित बातें हैं वो तो अधिकतर अनाड़ीपन की हैं, एक तरह की गॉसिप है, कल्चरल गॉसिप है, उससे आप ज्ञानी नहीं हो जाते। ज्ञानी होने के लिए थोड़ी साधना करनी पड़ती है, धर्म ग्रंथों के साथ बैठना पड़ता है, उनके एक एक श्लोक के साथ जूझना पड़ता है, एक ग्रंथ का दूसरे ग्रंथ से संबंध खोजना पड़ता है, प्रतीकों की गहराई में उतरना पड़ता है, तब तो जा करके बात निकलती है। समझ रहे हो? जी। हुँ? आचार्य जी, मांस भक्षण तक तो आपने एकदम स्पष्ट ही कर दिया, समझ में आ ही गया मुझको कि बात तो असल में अपने अंदर के बैठे राक्षस की हो रही हाँ है। हाँ तो ये मदिरा कैसे जुड़ा है? हाँ मैं वो बोल रहा था, रह गया। तो 8वें अध्याय के जब तुम 63वें श्लोक पर जाते हो, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं देवी कि ये जो राक्षस है इसका रक्त ही मद है। मद माने नशा, मदिरा। तो मदिरा माने वो मदिरा नहीं जो आप बनाते हो किसी साधारण मदिरालय में। यहां बात हो रही है कि जो राक्षस का रक्त है वो ही मद है। तो जो लोग जाकर के काली को साधारण शराब वगैरह चढ़ाते हैं वो बहुत पागलपन का काम कर रहे हैं। ये न जाने कहां से चीज शुरू हो गई। देवी स्पष्ट कर रही हैं मद का अर्थ, जो दुष्ट है उसका रक्त ही मद है और उसी मद का पान देवी को करना है। अब जो दुष्ट है उसको भी व्यक्ति के रूप में नहीं देखना। हमने क्या कहा, शुंभ निशुंभ कौन है, अचंड मुंड कौन है, या महिषासुर कौन है? ये प्रतीक है हमारे ही भीतर, जो जो आसुरी वृत्ति बैठी है उसके, तो उसको मारना है देवी को, उसको भक्षण करना है, उस आसुरी वृत्ति के मांस को खाना है, उसके रक्त को पीना है। तो ये हुआ मांसाहार और ये हुआ मदिरापान। ठीक है, इससे अलग नहीं है कुछ देवी का मांसाहार या मदिरापान।
तुम और अगले अध्याय में आओ तो एकदम ही स्पष्ट हो जाएगा। अगले अध्याय में, नौवे अध्याय में रक्त बीज आ जाता है। अब रक्त बीज क्या है, जानती होगी कहानी कि उसका उसके खून की एक बूंद गिरती थी जमीन पर तो उससे एक रक्त बीज और खड़ा हो जाता था। अब देवी की सब शक्तियां लगी हुई हैं युद्ध में रक्त बीज के विरुद्ध, तो वो रक्त बीज पर वार कर रही हैं एक के बाद एक। बहुत सारी शक्तियां, उनके सबके अलग अलग नाम दिए हुए हैं ग्रंथ में, और वो उस पर जितना वार करती हैं तो उसके रक्त की बूंद गिरती है, उससे एक राक्षस और खड़ा हो जाता है। इतने राक्षस खड़े हो जाते हैं कि कहते हैं पूरी पृथ्वी भर गई, ग्रंथ कहता है। तो फिर काली क्या करती हैं, काली ये करती हैं कि वो सब राक्षसों को, जितने रक्त बीज थे, कहती हैं इनको मारेंगे, इनका रक्त जमीन पर गिरेगा तो और खड़े हो जाएंगे, तो उनको अपने मुंह में ही लेने लग जाती हैं। कहती हैं आओ यहीं चबा लेंगे तुमको, यहीं चबा लेंगे, तुम्हारा रक्त भी फिर भीतर ही चला जाएगा। समझ में आ रही है बात जी? तो उसका रक्त तो पीने लग जाती हैं, रक्त पीने लग जाती हैं। तो यहां पर भी मांस भक्षण वाली बात आती है। इससे पहले भी है कि काली असुरों को उठा रही हैं और उनको अपने दांतों में चबा ले रही हैं, वैसा ही वो रक्त बीज के साथ भी करती हैं कि उठा लिया और उसको चबा लिया। इसमें पशु कहीं नहीं आ गए कि पशुओं का मांस चबाना है, इसमें मांसाहार को कहीं से समर्थन नहीं आ गया। यहां तो बात हो रही है कि आप अपनी चेतना इतनी ऊंची करें कि वो प्रकृति का दोहन या शोषण न करे, और मांसाहार तो सीधे सीधे एक नीची गिरी हुई चेतना का काम होता है। देवी तो उठी हुई चेतना की प्रतीक है, जो कि गिरी हुई चेतना के राक्षस से युद्ध करती हैं, उसको मिटाती हैं। समझो, पशु को मारना राक्षस का काम है, देवी का नहीं। तो ये हम बहुत उल्टी रीत चला रहे हैं कि हम देवी को या देवी के सामने पशु की बलि दे रहे हैं या देवी के नाम पर मांसाहार कर रहे हैं। जो मांसाहार करे वो देवी का भक्त नहीं है, जो मांसाहार करे वो ठीक वैसा ही राक्षस है जिसका देवी ने वध किया। उल्टी बात समझ रहे हो, जो मांसाहार कर रहा है वो देवी का भक्त नहीं है, जो मांसाहार कर रहा है वो बिल्कुल वही राक्षस है जिसका देवी ने वध किया है। तो ये सब उसमें रहता है नौवे अध्याय में। फिर आगे जब बढ़ते हो दसवां अध्याय आता है, उसमें फिर शुंभ नशुंभ का भी वध हो जाता है। जानते हो वध होने के बाद क्या बताया गया है, वध होने के बाद पूरी प्रकृति ने आनंद मनाया, नदियां अपनी पुरानी गति से बहने लगी, साफ हो गई, हवा साफ हो गई, सूरज की रोशनी साफ दिखाई देने लग गई, जो सब पशु डरे हुए थे, जितना जंगलों का विनाश हो रहा था वो सब दोबारा ठीक हो गया। तो ये बात पुरानी नहीं है, ये बात कोई ऐतिहासिक नहीं है, ये बात किसी एक काल की नहीं है, ये बात आदमी के मन की है और सदा की है। हम प्रकृति का विध्वंस करते हैं, आज भी कर रहे हैं ना, बल्कि ये जो पूरी शुंभ नशुंभ की और काली की कहानी है वो ठीक आज की कहानी है। शुंभ नशुंभ हमारे ही भीतर की वो गिरी हुई वृत्ति है, हमारे ही भीतर का वो राक्षस है जो पूरी पृथ्वी को तबाह किए दे रहा है, उसको शुंभ नशुंभ कहते हैं। ठीक है, चाहे फिर उसमें तुम एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज ले लो, ये जितनी प्रजातियां हैं विलुप्त हुई जा रही हैं पशुओं की, जानवरों की, रोज सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, बात हमें पता ही नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज ले लो, या नदियों का प्रदूषित होना ले लो, जो तुम जंगलों में घुस करके वहां से नए नए तरीके के वायरस उठा लाते हो जिसमें कोविड भी शामिल है, उसको ले लो। ये सब कुछ अगर पढ़ोगे दुर्गा सप्तशती को तो सब पता चलेगा कि वो तो आज की ही बात हो रही है, शुंभ निशुंभ हम ही हैं। ऐसी लग रहा है मेरे को कि आज की ही बात, बिल्कुल आज की ही बात हो रही है। तो और फिर जब शुंभ निशुंभ का वध हो जाता है तो नदी साफ हो जाती है। हमने नदियों गंदा कर रखा है ना, तो बताओ वो बात तब की है आज की है? नदी बिल्कुल गंदी है ना, जो नदी को गंदा कर रहा है वही शुंभ निशुंभ है, देवी उसी का वध करने के लिए आती हैं। प्रकृति की वो शक्ति जो नदियों को प्रदूषित करने वाले को मिटा देती हैं, मार डालती हैं, प्रकृति की उसी शक्ति को काली कहते हैं। नाम ही काली है, काली 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 का संबंध काल से,
जो खत्म कर दे, जो मार दे, वो काली है। किसको मार दे? जो कि नदियों को गंदा कर रहा है, बेजुबान जानवरों को सता रहा है, अपने अपने स्वाद के लिए, अपनी जुबान के स्वाद के लिए मांस खाई जा रहा है। ये बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, मैकेनाइज स्लॉटर हाउसेस हैं, आप पैकेज्ड मीट खरीद रहे हो, आप कोई आज कोई भी ऐसी वेबसाइट खोल लीजिए तो उसमें प्रचार आता रहता है। काहे का प्रचार आता रहेगा? उसमें वो आपके सामने बार बार मांस दिखाएंगे और कहेंगे हम आपके घर में ये मांस पहुंचा देंगे, आप बस ऑर्डर करिए और आपके पास ताज़ा मांस पहुंच जाएगा। ये राक्षस ही राक्षस हैं, यही तो राक्षस हैं। जो घर घर में ताज़ा मांस पहुंचाने का विज्ञापन दे रहा हो वही राक्षस है, वही चंडमुंड है, वही शुंभ निशुंभ है, वही महिषासुर हैं। और इन्हीं का फिर वध करने के लिए प्रकृति से एक शक्ति उठती है जिसको काली कहते हैं, इन्हीं को मिटाने के लिए। और ये राक्षस जितने हमको बाहर दिखाई दे रहे हैं उतने हमारे भीतर भी हैं। हर आदमी के भीतर वो राक्षस है। आप इंसान पैदा हुए हो तो आपका दायित्व है कि उस राक्षस को ज़रा दबा करके रखो। आपके ही भीतर देवता भी है, दानव भी है, आपका दायित्व है आप देवता को पोषण दो। गीता में कृष्ण कहते हैं ना बार बार कि यज्ञ, यज्ञ की बात करते हैं तीसरे अध्याय में कि यज्ञ क्या है। अपने भीतर जो देवता बैठा है उस देवता को भेंट देना, उस देवता को होम देना, आहुति देना, वही यज्ञ है। तुम्हारे भीतर जो दानव है उसको पोषण मत दो, उसको मत बढ़ाओ। अपने भीतर के शुंभ निशुंभ को आगे नहीं बढ़ाना है, अपने ही जो भीतर देवता है, अपना जो देवत्व है उसको आगे बढ़ाना है। तो ये सब ग्रंथ एक ही ओर आपको ले जाते हैं, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो। आपको उनको समझने की ज़रूरत है। उनमें जो बात कही जा रही है वो आज भी बहुत बहुत प्रासंगिक है और सदा रहेगी, कालातीत है वो बात। अहंकार ऐसा अनाड़ी होता है ना, पहली बात तो वो कुछ समझता नहीं, वो अपनी ही दुनिया में जीता है, उसकी दुनिया बोध की नहीं होती, कल्पना की होती है, है ना। ये सब जो राजनेता वगैरह टिप्पणी कर रहे हैं काली पर, यही तो कह रहे हैं ना कि इट इज माई फ्रीडम टू इमेजिन काली एज अ मीट ईटिंग गॉडेस। इमेजिन काली, इमेजिन क्या होता है, काली क्या है पहले ये जानो ना। अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, नॉट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन तो उनके लिए होती है जिन्हें बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें जब कोई बात समझ में आ जाती है तो तुम्हें उसके बाद उसकी कल्पना नहीं करनी पड़ती ना। और जो समझते नहीं है उनकी मजबूरी हो जाती है कल्पना में जीना। तो कल्पनाओं से बाहर आना होता है, यथार्थ में आना होता है ना। आपको इमेजिन नहीं करना है काली को, काली क्या है ये आपको जानना है, कल्पना नहीं करनी है। आपके पास बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। तो काली आपकी इमेजिनेशन से नहीं पैदा हुई है, खाली एक सशक्त प्रतीक है जो आपको दिया गया है ताकि आप कुछ सीख सकें। काली पर आपकी कल्पना नहीं चलेगी, आपने नहीं बनाया है काली को। काली एक विधि है, काली एक उपाय है, काली आपके लिए, आपकी मदद के लिए किया गया एक प्रबंध है जो आपको दिया गया। आपको उसको समझना है, आपको उसके बारे में इमेजिनेशन नहीं करनी है। ये अहंकार की बात है, अहंकार सोचता है मैं जिसके बारे में जो चाहूं कल्पना कर सकता हूं। आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, उससे क्या हो जाए। आप कल्पना बिल्कुल ये कर सकते हैं कि भाई, आप कल्पना कर सकते हैं कि इट इज माय फ्रीडम टू इमेजिन दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। आप इमेजिन कर लीजिए, आपके इमेजिन करने से वो जो आपको लॉ दिया गया है वो बदल तो नहीं जाएगा। और ना ही ये हो जाएगा कि आप उस लॉ को समझ जाएंगे। उसको समझने के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ना चाहते नहीं, हम वैसे तो कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जिस बारे में टिप्पणी कर रहे हैं उस बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ रखा, पढ़ हमने रखा नहीं है। और कह रहे हैं कि मैं इमेजिन करूंगा। क्यों इमेजिन कर रहे हो भाई, जान लो, कल्पना मत करो, जानो। मुझे साथ साथ ये दिखने लगा है कि हम आध्यात्मिकता से इतने दूर आ चुके हैं कि हमारे लिए
ये जो पूरा क्षेत्र है ये अब उसमें कोई भी साइंटिफिक टेम्परमेंट जो होता है कि हाँ जी तथ्य है इसमें ही कुछ बात कही गई है या फिर ऊंचे से ऊंची बात कही गई है उससे काफी दूर आ चुके हैं। हमें लगता है कि कोई बात है कैसे भी बना लो कैसे भी मान लो कुछ भी कर लो अपने हिसाब से चल लो, वो बढ़ता ही जा रहा है कि लोग इतनी कॉन्फिडेंटली आके जो चाहे वही कहना शुरू कर देते हैं। ये अहंकार का एक और लक्षण होता है, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है। जितना उसमें अज्ञान होता है उतना ही उसमें आत्मविश्वास होता है, गहरे आत्मविश्वास से भरा होता है अज्ञान, तभी तो फिर अज्ञान कायम रह जाता है ना। उसको ये दिखाई देने लगे कि वो खोखला है तो अपने आप को फिर त्याग देगा, सुधरेगा, बदलेगा, बेहतर बनेगा, लेकिन वो आत्मविश्वास से भरपूर होता है। वो पूरी दुनिया को चुनौती देता है, मैं जानता हूं, मैं बताऊंगा, कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है, आओ मेरे सामने आओ। अरे भाई, दुनिया से लड़ने से पहले थोड़ा अपनी ओर दृष्टि कर लो, देख लो कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कुछ पता भी है, बस बोले जा रहे हो, कुछ जानते हो, बोले जा रहे हो। और धर्म के क्षेत्र में तो टिप्पणी उसी को करनी चाहिए जो धर्म से कुछ रिश्ता नाता रखता हो, जो धर्म से प्रेम रखता हो, जिसको धर्म का कुछ ज्ञान हो। धर्म तो बुद्धिजीवियों के लिए बिल्कुल हीन हेय वस्तु है, जिसको वो छूना नहीं चाहते। धर्म उनके हिसाब से एकदम सड़ी गली बीते हुए जमाने की बात है। अरे जब धर्म से तुमको इतनी ही अरुचि है तो धर्म पर फिर टिप्पणी भी क्यों करते हो? ये एक बहुत बहुत सीधी बात है ना कि हमें मुंह उसी क्षेत्र में खोलना चाहिए जिस क्षेत्र में हम कुछ पैठ रखते हो या प्रेम रखते हो। न पैठ है न प्रेम है, बस पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने की बड़ी आतुरता है। ये बात ठीक नहीं है। इतना देखो और हो रहा है कि ये सब करके जो नई पीढ़ी है उसको हम अध्यात्म से पूरा ही वंचित कर दे रहे हैं। अभी जो अब नए लड़के लड़कियां हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल वाले, वो ये जो पूरा विवाद चल रहा है काली को लेकर के, वो इस विवाद को तो पढ़ लेंगे अखबारों में, वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया पर, लेकिन इस विवाद के चलते ऐसा तो नहीं है कि वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ट्वीट्स वो सब पढ़ लेंगे, और ट्वीट्स पढ़ के उनको भी काली से अरुचि ही हो जाएगी। तो ले दे करके इतना ही परिणाम निकलता है इस तरह की बातों का और विवादों का, कि और ज्यादा लोग धर्म की ओर पीठ कर लेते हैं, धर्म से हटते जाते हैं। और आप देखिए, जब मैं धर्म कहता हूं तो उससे मेरा मतलब विशुद्ध अध्यात्म से होता है, ठीक है, परंपराओं, प्रथाओं, अंधविश्वासों, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब युवा पीढ़ी अध्यात्म से कटेगी तो क्या नतीजा होगा? नतीजा यही होगा कि सब शुंभ नशुंभ भी बनते जाएंगे। वही बन गए हैं, देखिए ना हमने पृथ्वी क्या हालत कर ली है। हम विध्वंस के आज जितने निकट खड़े हैं इतने कभी भी नहीं थे ना। यही तो प्रलय है। आदमी आज मानसिक रूप से इतना बीमार है इतना कब था? हम मानसिक रूप से भी बीमार हैं और संसार भौतिक रूप से भी मिटने को तैयार खड़ा हुआ है। डूम्सडे क्लॉक है, उसकी टिकिंग हमको सुनाई नहीं दे रही क्या? हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें नहीं दिखाई दे रहा कि संसार का औसत तापमान 1.5 डिग्री लगभग बढ़ ही चुका है। हमें नहीं दिख रहा कि हमने कितनी प्रजातियों को मार दिया है, जंगल कितनी तेजी से सिकुड़ते जा रहे हैं, जिन कीट पतंगों को हम मार रहे हैं वही पॉलिनेशन किया करते हैं। आप एक प्रजाति को मारते हो उससे जुड़ी कम से कम 20 प्रजातियां और मिट जाती हैं। तो
और ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सब को रोकने का एक ही तरीका होता है, आत्मज्ञान, अध्यात्म। दुनिया जिस महाविनाश की ओर जा रही है उसको सिर्फ अध्यात्म रोक सकता है, लेकिन अध्यात्म को आप बदनाम करते रहोगे कैसे? बस यही दिखा दो कि शिव बैठ करके गांजा धतूरा कर रहे हैं, काली बैठ करके बीड़ी सिगरेट शराब कर रही हैं, तो जो नई पीढ़ी है उसको और अरुचि हो जाए, वो कहे हमें समझ नहीं, नहीं है शिव क्या। अब शिव महाप्रतीक है, जिसने शिव को समझ लिया उसका जीवन सुधर जाएगा। समझ लिया, मैं कोरी पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नारेबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझ की, बोध की, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं। जिसने समझ लिया शिव को उसका जीवन बदल जाएगा, जिसने समझ लिया काली को वो व्यक्ति कुछ और हो जाएगा। अब काली को समझना एक बात है और काली को मुर्गा और दारू चढ़ाना बिल्कुल दूसरी बात है ना। समझने की जरूरत है। और बताओ। मुझे जो एक प्रश्न उठता है आमतौर पे, जो आपको तो मैं सुन रहा हूँ, तो आप अगर इतना ही, जैसे जो आदमी मांसाहार की ओर बढ़ रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, वो भी इस बात, इस नाम पर कि मैं तो माँ काली का भक्त हूँ, तो ये सारी जो आदतें हैं वो उसको दुख के दरवाजे पे तो लेकर जाती ही हैं। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं। और आदमी जो भी कुछ करता है वो सुख के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, ऊंचाई के लिए, मतलब आखिरी में तो उसकी नीयत यही होती है कि मैं कुछ बेहतर हो सकूं जो मैं अभी हूं। लेकिन क्या आदमी अब इतना अंधा हो चुका है कि उसको ये दिखना ही बंद हो गया है कि ये सब कुछ करने के बावजूद मैं सिर्फ दुख की ही चपेट में खड़ा हूं और मेरा अभी भी कोई उत्थान हो नहीं रहा है? क्योंकि जहां तक आपने जैसे कहा कि प्रेम की बात है, आपका अगर संबंध है धन से, ऊंचाई से, तो ये आपके लिए काफी स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पे मांसाहार की बात नहीं करी गई है, ये नहीं कहा गया है कि जानवरों को नोच के खा लो। तो क्या आदमी ऐसा हो चुका है कि उसको अपने आप से भी कुछ प्रेम नहीं है कि वो अपने आप को ही रोक कर देख ले? छोड़ो आप मांस की बात, छोड़ो आप जानवरों की बात, तुम अपनी जीवन, अहंकार को अपनी भलाई से ज्यादा अपनी आदत प्यारी होती है। अपने आसपास के लोगों को देखो, क्या पाओगे, वो अपनी आदतों पर चल रहे हैं या अपनी भलाई की ओर बढ़ रहे हैं? आदतों पर चल। हाँ, तो जो अहंकार की पुरानी आदत है वो है सुख की, भोग की, लिप्सा की, अज्ञान की, बेहोशी की, नशे की, ये पुरानी आदतें हैं, बहुत पुरानी आदतें हैं अहंकार की। वो इन पर चलने लग जाता है, उसको एहसास होता रहता है बीच बीच में कि इन पर चलने में मेरी भलाई नहीं है, पर वो चुनाव ये करता है कि आदत ठीक है, सुधार को पीछे रखते हैं, सुधार की बहुत जरूरत नहीं है, ये एक चुनाव की बात होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना चुनाव बदलें, आप अपनी आदत, अपने आलस, अपनी तमसा, इनसे ऊपर की वरीयता दें अपनी भलाई को। यही स्वयं के प्रति प्रेम है, यही मनुष्य की अपने प्रति जिम्मेदारी है, यही मनुष्य की पूरी दुनिया के प्रति जिम्मेदारी है कि इस बात को बहुत महत्व मत दो कि तुम्हें अच्छा बुरा क्या लग रहा है, इस बात को महत्व दो कि सही क्या है, जो सही है वो करो, भले ही उसमें सुख ना हो, भले ही उसमें कष्ट मिलता हो। और तो ये जानते ही हो ना कि जो भी चीज़ें सही होती हैं उनकी ओर बढ़ने के लिए तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है, अनुशासन दिखाना पड़ता है, साधना संकल्प करने पड़ते हैं, और उनमें हमेशा एक एक तरह का कष्ट तो होता ही है। तो हमें चुनाव ये करना चाहिए कि कष्ट भले ही हो लेकिन जो सही है वो करेंगे। जब आदमी ये चुनाव नहीं करता तो फिर वो दुख में और गहरा डूबता जाता है
और जितना वो दुख में डूबता है उतना उसे फिर नशे की ज़रूरत पड़ती है, उतना उसे और झूठ की ज़रूरत पड़ती है। यही हमारी आज की हालत है। कैसे बदलेगी ये? हमारे चुनाव की बात है, हमें चुनाव करना पड़ेगा कि हमें इसको बदलना है, और कोई हमें नहीं बचा सकता, हमारा संकल्प ही हमको बचाएगा। लेकिन आजकल जो एक ये ट्रेंड फैला हुआ है जिंदगी को जीने की, जो फिलॉसफी है जिसने बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों को कन्विंस करा हुआ है कि हाँ जी हम इस तरह से जी सकते हैं, वो यही है कि 4 दिन की जिंदगी है, अभी आए हैं तो भोग लो, यू लो, यू ओनली लिव वंस। नहीं ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ यू ओनली लिव वंस, 4 दिन की जिंदगी है, और 4 दिन की जिंदगी है तो इसी से तो ये सिद्ध होता है ना कि क्यों उसको बर्बाद किए दे रहे हो, समय बहुत कम है। तुम कह रहे हो 4 दिन की जिंदगी उसमें सुख भोग लो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें सुख मिल कहाँ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम सुखी हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बिल्कुल खोखला है। थोड़ा सा उसको कुरेद दें तो भीतर तुम्हारे डर ही बैठा हुआ है, घोर असुरक्षा बैठी है भीतर ही भीतर, तुम लगातार कपते रहते हो, इसीलिए तुम बाहर इतना आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हो। मैं भी बिल्कुल यही कहता हूँ, समय बहुत कम है इसलिए सुधर जाओ, यही तो तुम्हारा एकमात्र अवसर है, क्यों इसको व्यर्थ कर दे रहे हो। आनंद तुम्हारा अधिकार है, मुक्ति तुम्हारा अधिकार है, बोध तुम्हारा अधिकार है, उसको पाए बिना क्यों मर जाना चाहते हो। दुख में ही तुम छटपटा रहे हो, अज्ञान की कीचड़ में लथपथ हो तुम, ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुए थे क्या? तो आज का जो युवा है जो अब धर्म से तो काफी दूर आ चुका है और अपने आप को अगर कोई बोले भी कि आ भाई तेरी जिंदगी को अगर सुधार है तो वो दुर्गा सप्तशती से होगा या फिर वेदों के पास जाने से होगा, तो वो कतराता है, वो डरता है बल्कि कि भैया कहीं गलत ही ना फंस जाऊँ। तो क्या अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कुछ नए सिंबल्स या फिर नए सिंबल्स आप बना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन पुराने जो हैं उनको तो समझ लो, जो पुरानी बात है उसको समझ लो। नए के निर्माण पर कोई रोक नहीं है, आप बिल्कुल नए प्रतीकों को रच सकते हैं, और ये सृजनात्मकता की बात है कि हर युग अपने अनुसार देवत्व के, ऊंचाई के, सौंदर्य के नए प्रतीक गढ़े, ये अच्छी बात है। लेकिन पता तो हो बात का, जब आप किसी चीज़ के मूल सिद्धांतों से ही परिचित नहीं हैं तो आप उसमें आगे विकास क्या करेंगे? अगर साइंस ही नहीं पता आपको, साइंस के रूल्स नहीं पता है, तो आप नई टेक्नोलॉजी कैसे विकसित कर लोगे? और वो जो मूल सिद्धांत है वो आपको मिलते हैं वेदांत में। वेदांत ही वो कुंजी है जो सब प्रतीकों के तालों को खोल देती है। सब बातें कोडेड तरीके से हैं, काली हो, दुर्गा हो, शिव हो, शक्ति हो, पार्वती हो, ये सब प्रतीक हैं, राम हो, कृष्ण हो, सब प्रतीक हैं। पूरी श्रीमद् भगवद गीता प्रतीकों में बात करती है, वो कोड है, उसको डिकोड करने के लिए आपको वेदांत की समझ चाहिए, उसके बाद ये जितनी बातें हैं ये खुलने लग जाती हैं, सिंबल्स फिर आपके लिए मीनिंगफुल, अर्थवान हो जाते हैं। नहीं तो आप ऐसा है जैसे आप किसी ताले की पूजा कर रहे हो, ताले पूजने के लिए नहीं होते, ताले खोलने के लिए होते हैं, ताला खोलिए फिर देखिए दरवाजे के भीतर क्या है, और वहाँ बहुत बड़ा खजाना है, वहाँ बड़ी संपदा समृद्धि है। हम ताले को पूजे जा रहे हैं, कुछ लोग पूज रहे हैं ताले को, और कुछ लोग हैं जो ताले को गालियाँ भी दे रहे हैं, न पूजने वाले कुछ समझ रहे हैं न गालियाँ देने वाले कुछ समझ रहे हैं। चाबी उठाइए, उसको खोलिए, देखिए भीतर क्या है। चाबी माने वो विग्रेस ट्रेनिंग साधना, चाबी माने वेदांत, चाबी माने वेदांत, चाबी माने मन को जानना, चाबी माने समझना मन की वृत्तियों को, और जानना कि आत्मा माने मुक्ति ही मन का, जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन ये बात सिर्फ बौद्धिक रूप से पकड़ने की नहीं होती, वेदांत को जानना माने उसके साथ इतना निकट हो जाना कि ये बात आपकी रग रग में बैठ जाए, कि जब आपकी आंखें दुनिया को देखें तो एक आंख ऐसी भी हो जो स्वयं को देखती रहे। लगातार आत्मज्ञान वाले नेत्र को भी सक्रिय रखना,
इसको मैं कहता हूँ वेदांत का ज्ञान होना। वेदांत का ज्ञान अन्यथा बौद्धिक रूप से तो बहुत सरल है, कुछ मूल बातें हैं महावाक्य, उनको जान लो, आपको लगेगा आप वेदांत जान गए। पर वेदांत का ज्ञाता वो है जो जितना बाहर देख रहा है उतना ही भीतर भी देख रहा है। जब बाहर भीतर एक साथ देखने लग जाते हो संकल्प अनुशासन साधना से, तब आपके हाथ वो चाबी लगती है जिससे फिर धर्म के सारे ताले खुल जाते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, ये आपसे जो माँ काली के बारे में जानने को मिला उससे तो बस यही दिखाई दिया कि ये साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही अगर आप आगे बढ़ें और धर्म को जानें तो ही कुछ फ़ायदा है, वरना आप जाते हो उनकी पूजा करने और आप वही असुर बन जाते हो जिनके खिलाफ वो खड़ी हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।